अभी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है एंड अभी हम लोग आए हैं थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए। जतिन को मिस कर रहे हैं हम, जतिन होते तो खाते पीते हम अच्छे से। तो मैं घर से कैमरा ले आना भूल गई क्योंकि मैंने व्लॉग शूट करना था कैमरे में, मेरे फ़ोन में स्टोरेज तो है नहीं। अभी हमने थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ, मैं नाइट सूट लेकर आई हूँ, दो हम फ्रॉक सूट लेकर आए सेम से, मैं और मनीषा ट्विनिंग करेंगे कल पहनेंगे, है ना। रील्स में देखने को मिलेगा, हाँ रील्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। और मम्मी मनीषा निधि तीनों गए हुए ये शॉपिंग करने के लिए, शाम दे बज रहे ने 6 ते ए हुणी 15-20 मिनट पहले ही संगता पहुंची ने। 4:30 बजे से आए हैं, तुम 1.5 घंटा हो गया इनू, मैं कहते आधा घंटा ही हो गया। रोटी खाधी है तुसी मैगी खाधी है। और की लेके आए हैं, शॉपिंग दिखा दो सानू भी। 1.25 महीने पे चूड़ा चेंज होता है तो वो ननद लेके आती है और वही डालते, तो ननंद और भरजाई ननंद और भाभी ननंद और भाभी मतलब कि एक साथ गए थे चूड़ा लेने के लिए ताकि निधि के पसंद का ही आ जाता, तो इसलिए मनीषा आई थी घर। तो मनीषा जी ले आए चूड़ा आप? बहुत सोना चूड़ा, पसंद तो तेरी है बट ठीक है। हाँ, मतलब पसंद तो मेरी बहुत। कल्ला चूड़ा नहीं लिया, और भी चीजें लेंगे मैडम ने, दोनों मैडम की लिया रंग। तो गाइस ये इन्होंने ड्रेसे ली है, हो गई अगली। और ये लिया चूड़ा, ये क्या बात है, राजस्थानी टच है ना, पंजाबी टच है, पंजाबी टच है। क्यों ये वाइट चूड़ियां वाला राजस्थानी टच नहीं होता? मेरा वाइट वाला वाली। आ देखो गाइस, महीने च एक व्लॉग एडिट करने को देना है, ओ ये चीज हस हस पागल हो जाती है। की हुआ, क्या हुआ? आधा ब्लॉग मैंने एडिट करा था और आधा मेरा अभी मन नहीं कर रहा, मैंने कहा तू कर दे, पता नहीं क्या ऐसा देख लिया जो हंस रही है। क्या हुआ? क्या था बताओ? क्या था? अच्छा मेरे बाल ना भाई कट दे, कुछ नहीं हुंदा। हमारी वीडियो डिलीट कर देना है इतना। केड़ी वीडियो? क्यों क्यों बड़ी बड़ी लगती है, आ शक्ल भी डिलीट कर, एड़ी बड़ी लगती है। आ नाइट सूट ले निधि ने। ओके सुनो मेरी बात, एक मिनट। क्या बात है, नाइट सूट? तो गाइस अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हो जो है व्हाट्सएप लिंक और नंबर दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है जी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि निधि के जो, हाँ निधि के जो नाइट सूट वगैरह है कहाँ से बाय करते हो, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे, इंस्टा पे भी लोग पूछते हैं। तो आप अगर ऑर्डर करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज कर देना, आपको जो है ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ पे। और अच्छा क्या बात है, मेरे लिए लोअर देखना किसी ने, चप्पले है सूट साट पता नहीं की लिया है, आप नहीं देख सकते। और हमारे जो व्लॉग्स की रूटीन है वो बिगड़ी पड़ी है क्योंकि यार देखो शाम को व्लॉग शुरू करता हूँ फिर नेक्स्ट डे सुबह व्लॉग शूट करता हूँ, मतलब ऐसे शाम और सुबह का मिक्सचर करके व्लॉग बनता है, तो उस वजह से जो है पूरी रूटीन बिगड़ी पड़ी है। लेकिन कल से जो हम कोशिश करेंगे सुबह शुरू करा करेंगे और शाम को ख़त्म करा करेंगे। ठीक है जी, पानी लेने आया था, बात ही नहीं खत्म होती मेरी तो, एक तो यार गर्मी में ना प्यास इतनी ज़्यादा लगती है। मैं सोच रहा हूँ यार बाल कटवा ही आता हूँ, पर मम्मी कह रहे हैं कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाते। मम्मी यार मंगलवार एक ही वहम है मैंने यार, इसके पीछे हिस्ट्री नहीं पता की है, वीरवार कपड़े नहीं धोने, मंगलवार बाल नहीं कटाने। ओए यार ओए एक आया पता नहीं हाथ च नहीं आता है, तू क्या सी नहीं है पता नहीं, मेरा इंस्टाग्राम बन गया मत। रात के बज गए 11 और मैं जो है स्टूडियो गया हुआ था, एक और मतलब थोड़ा बहुत काम चल रहा है यार इन दिनों, और आके डिनर करा है। एंड ये देखो ये खेली खेलियां कर रहे हैं सभी, और ये दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं
क्यों भाई? आपके कमेंट्स पढ़ के लोगों ने आपको बोला आदिवासी लग रहा है आपका। ओ गाइस एक्चुअली पता क्या हुआ, करने को तो मैं यार जैसे अभी हेयर बैंड लगा के बैठा हूँ ना तब भी बैठ सकता था, लेकिन मेरे को लगा यार थोड़ा फनी लग रहा है तो कोई नहीं हंसी आ जाएगी, इसलिए और तो कोई रीजन नहीं था, बाकी आप लोगों को हंसी आई ना बस बात खत्म। यार अभी यार मैंने व्लॉग नहीं देखा था तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी व्लॉग देख लेते हैं बैठ के, इन लोगों ने तो व्लॉग मैंने एडिट किया था इसलिए। ओके साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यही गाना क्यों लगाती है हर बार? क्योंकि ये मेरा फेवरेट है इसलिए। तो ये मम्मी के दोबारा हो रहा है एंड कल जो है हम डॉक्टर के जाएंगे और दिखाते हैं कि यार ये दोबारा क्यों हो रहा है। यार बच्चों की जिंदगी बढ़िया है ना, आराम से खेलें खाओ पियो ऐश करो मौज करो सो जाओ बस, इन्ना तो लग ही चलता पे कर रहे हो है ले 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 ले। अच्छा सुनो सुनाओ एक जोक। जोक ये है कि दांत और जीभ आपस में बात कर रहे होते हैं, तो दांत जीभ को कहते हैं कि हम ना 32 हैं और तुम अकेली, तो जीभ पता क्या बोलती है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया ना तो 32 के 32 तुम्हारे बाहर आ जाएंगे। देखा कैसा लगा जोक? अच्छा वन मोर पम्मू नाम का एक लड़का होता है, क्लास में टीचर बोलते हैं हाथी की ड्राइंग बनाओ। अच्छा तो वो प्लेन शीट पे डॉट बना देता है, टीचर गुस्सा हो जाते हैं उसका, बोलता है ये क्या बनाया? पम्मू कहता है ड्राइंग, कह रहे पम्मू कहता है हाथी, तो टीचर कहते हैं हाथी कहाँ, ये तो डॉट है, कह रहे दूर से देख रहा हूँ ना। यार इन्ना सोना हंसो यार, यार गाने ला ले की है यार, मम्मी बेइज्जती करते रहते यार। मैंने सोचा था कि अपनी शादी पे इस गाने पे मैं और निधि डांस करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया बारिश की वजह से। रात को जो है व्लॉग एंड करना भूल गया था, और रात को जो है अपने गाने की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो रात को सोया 3 बजे, सारी रात ऐसे निकली और सुबह उठा मैं 10 बजे। और हम यहाँ पे बैठे थे अभी गप्पे मार रहे हैं बातें बूते मार रहे थे, और ये यहाँ पे खेल रही है देखो कैसे। और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपको ये काव कह रही है कि मैं एंड करूंगी, कर दो एंड व्लॉग एंड कर दो। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बोल ली है वो, चल ठीक है, बाय बाय, लव यू सो मच।